हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट लेआउट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस का ओवरफ्लो। ओवरफ्लो होता है क्या है और इसका यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। ओवरफ्लो जैसे नाम से डिफाइन है कि जो कुछ भी ओवर होगा, ओवरफ्लो होगा, उसको मैनेज करना, तो वही प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि विजिबल, हिडन, स्क्रॉल, ऑटो। इस वैल्यूज़ का अपना अपना यूज है, कैसे है, कहाँ और कैसे करते हैं। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ओवरफ्लो एक्स एक प्रॉपर्टी है, ओवरफ्लो वाई भी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कंटेंट है तो उसको ओवरफ्लो एक्स प्रॉपर्टी में कैसे हम सही करें, वाई प्रॉपर्टी में कैसे सही करें, ये सारी प्रॉपर्टी हम देखेंगे अपने प्रैक्टिकल सेक्शन में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सीएसएस का ओवरफ्लो। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड बता दूं, latestlayout.com की वेबसाइट भी है, आप वहां से फ्री और प्रीमियम वेबसाइट टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। जैसे हमने एक डिव लिया मेन, कंटेंट मैंने पहले ही लिख दिया क्योंकि कंटेंट लिखने के बैठूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए पहले ही कंटेंट लिख दिया है मैंने। एक डिव लिया मेन, अब मेन को हमें कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे हमारा डिव है मेन, इसको हमने विड्थ दिया 300 पिक्सल एंड हाइट दिया इसकी 200 पिक्सल और इसको बॉर्डर दिया 2px सॉलिड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जो हमारा एक कंटेंट है, ये जो हमारा जो कंटेंट है इस डिव के अंदर कैसा दिख रहा है। तो इसको ओपन करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, ये हमारा डिव है और जो कंटेंट है बाहर आ रहा है। अब इसको मैनेज कैसे, मैं चाहता हूँ कि जितने कंटेंट है भाई बाहर ना दिखे, वो इस डिव के अंदर ही रहे और सारा कंटेंट भी दिखे, तो कैसे दिखता है आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ओवरफ्लो, अगर हमने ऑटो किया तो अब देखिए क्या हुआ था। अब ऑटो किया हमने तो जितने भी कंटेंट थे इसी डिव के अंदर ही आ गए और हमारा स्क्रॉल बार बन गया। अब हम स्क्रॉल करके सारे कंटेंट को देख सकते हैं और हमारा जो वेब पेज है वो भी खूबसूरत दिख रहा है। अब फ्रेंड्स, ये होती प्रॉपर्टी ओवरफ्लो की। ओवरफ्लो में एक और प्रॉपर्टी होती है, आप यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रॉल लिख सकते हैं। तो अगर स्क्रॉल लिख दिया आपने लेकिन कंटेंट कम है तब भी वो स्क्रॉल का दिखाएगा लेआउट। जैसे मान लीजिए यहाँ तो दिखा दिया, स्क्रॉल दिखा रहा है ना, तो इसलिए स्क्रॉल ना लिख के हम ऑटो ही लिखते हैं। फ्रेंड्स, एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था ओवरफ्लो हिडन। मान लीजिए हमारा एक कंटेंट है अभी बॉक्स के बाहर दिख रहा है, अब हम चाहते हैं कि भाई बॉक्स के बाहर ना दिखे, अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी ओवरफ्लो हिडन लगाते हैं तो क्या होता है। ओवरफ्लो हिडन करते हैं, देखिए मतलब जिस बॉक्स के बाहर ज़्यादा इस डिव के बाहर जितने कंटेंट थे वो तो हिडन हो गया, बट हम उसको देख नहीं सकते कि क्या कंटेंट है, ना तो कोई स्क्रॉल आ रहा है ना कुछ आ रहा है। तो इसलिए फ्रेंड हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे ऑटो। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्क्रॉल वाई फॉर्मेट में हो, वाई डायरेक्शन में हो, तो आप लिखेंगे स्क्रॉल लिखेंगे, तब देखिए आपका कंटेंट वाई वैल्यू में, वाई प्रॉपर्टी में स्क्रॉल कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये होता है ओवरफ्लो। फ्रेंड्स, ओवरफ्लो वर्ड तो बहुत छोटा सा है बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम अपने वेबसाइट पे कंटेंट लिखते हैं और हम चाहते हैं वो कंटेंट एक छोटे से एरिया में ही सारा दिख जाए, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी कॉल होती है ओवरफ्लो स्क्रॉल या ओवरफ्लो ऑटो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ओवरफ्लो होता क्या है। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।